कसा लांब 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 पाणी भरतो पायावर जाम 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 कैसर बुरीवाली रस्त्यामध्ये झोल झोल अथॉरिटी झाली फोल कोल फोल 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 बुरीवाली दैसर तुला शासनावर भरोसा नाही का नाही का नाही का राइट की गारंटी से काय ना काय नाही काय नाही राइट की बिल येता दो 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 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आज दहिसर के आर उत्तर वार्ड पे मोर्चा निकाला हुआ है। हम जानते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से। हरीश जी आज यहाँ पे मोर्चा निकाला हुआ है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने गड्ढों के मुद्दे को लेकर। इसके साथ और किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए हमारी मुद्दा तो खड्डा है, लाइट्स है, ये जो हमारी मूलभूत सुविधाएं है, स्वाइन फ्लू है। आज बीएमसी स्वाइन फ्लू के बारे में क्या कर रही है? लोगों को टिकाए लगा रही है स्वाइन फ्लू ना हो, नहीं लगा रही है। जगह जगह पर जाके फवारणी हो रही है, नहीं हो रही है। अगर इतने मच्छर हो रहे हैं तो फवारणी होना चाहिए कि नहीं? हर हफ्ते में, हर बिल्डिंग में, हर गली में, वो चाहे चाली हो या बिल्डिंग हो, वहाँ पर होना ही चाहिए, फवारणी होना चाहिए। लेकिन नहीं करते ये लोग। वो सब पैसा इनके जेब में चला जाता है और जो भी बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं इनका, इनके साथ में साठगांठ है और उन्हीं लोगों को फिर से उनका नाम बदल करके जो भ्रष्टाचारी ये जो बैठे हैं ऑफिसर और कॉरपोरेटर जितने भी बैठे हैं, दोनों शासन शिवसेना और बीएमसी के लोग, ये लोगों ने, दोनों ने मिलकर ये महानगर पालिका का सत्यानाश किया है। ये महानगर पालिका नहीं है, ये विनाश पालिका मैं आज घोषित करता हूँ। इतनी बड़ी, इतनी पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे अमीर महानगर पालिका है तो वो मुंबई की महानगर पालिका है, जिसके पास 62,000 करोड़ रुपए एफडी में पड़ा है। तो आप सोचिए क्या नहीं हो सकता, रोड कितने अच्छे नहीं बन सकते। लेकिन इनको नहीं करना है, उसमें झोल करना है, ये झोलर लोगों का झोल बंद करना है। आज हम लोग यही निवेदन लेकर के आए हैं, ये हमारी आज की गांधीगिरी है, ये गांधीगिरी की तरफ से आ रहे हैं हम लोग। उसके बाद में हम लोग गांधी जी को नमस्कार करेंगे और हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को जगाएंगे। इंद्रपाल जी, आज जो ये मोर्चा निकला है ये सिर्फ दहिसर बोरीबिल तक सीमित नहीं है, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं, पूरे मुंबई में इस तरह की समस्याएं हैं। हरीश जी बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पूरे मुंबई में गड्ढे हैं और हमने कांदिवली में भी मोर्चा लिया, अब बोरीवली में हो गया, दहिसर में हो गया। इस तरह के मोर्चे हमको ये लेने के लिए उकसा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो नागरिक सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं देने के लिए बुरी तरह असफल रहे हैं। इनको शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम इनको ये बताना चाहते हैं कि ये पानी की समस्या, तो आज ये 15 साल 20 साल हो गए पानी की समस्या सुलझा नहीं सके। गड्ढे हर साल हमको आंदोलन लेना पड़ता है। पिछले साल भी हमने आंदोलन लिया तो इन्होंने गड्ढे भरे, परसों हमने कांदिवली में आंदोलन लिया तो इन्होंने गड्ढे भरे, आज हरीश शेट्टी जी आंदोलन ले रहे हैं तो ये गड्ढे अभी भरेंगे, तो इनको जगाना पड़ता है। ये सोए हुए लोग हैं, सोए हुए लोगों से निवेदन है, घर में सोए, ऑफिस सोने की जगह नहीं है, ऑफिस काम करने की जगह है। अगर आपको काम नहीं करना है तो आपकी जगह आपके घर पे है। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक दिन दिखा देगी। आज का निवेदन, जैसे हरीश शेट्टी साहब ने बताया कि आज का निवेदन गांधीगिरी का निवेदन है, लेकिन 10 दिन के बाद ये सोए हुए लोगों को हम घर में सुलाएंगे, घर में से बाहर नहीं आने देंगे, हमारा आंदोलन एकदम तीव्र होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस ईबी जी, दहिसर में कई जगह खड्डे पड़े हैं, बावजूद इसके वो खड्डे नहीं बुझाए जा रहे हैं, जिसके वजह से कई लोगों को आपने दिखाया कि कमर में, गर्दन में गड्ढे, चोटें आई हैं और मोच लगी है, क्या कहना चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूं कि दहिसर गावठन जहां के सबवे है, आप वहां जाके देखो, जहां हम अभी जाके आए हैं सबवे में इतने खड्डे पड़े हैं। महानगर पालिका बाजू में है, कई लंबा नहीं, 2 मिनट में महानगर पालिका वहां पहुंचती है, लेकिन वहां के खड्डे भरने का उनके पास टाइम नहीं है। हम इस महानगर पालिका का निषेध करते हैं और जहाँ जहाँ फेवर ब्लॉक लगे हैं, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये फेवर ब्लॉक जो रोड पे लगे हैं, ये रोड पे लगाने के लायक नहीं है, रोड पे लगना नहीं चाहिए। ये फेवर ब्लॉक जहाँ जहाँ है वहाँ से फेवर ब्लॉक हटाना चाहिए और सीमेंट कॉन्क्रीट के डामरीकरण करना चाहिए। और दूसरी बात ऐसी है कि आज हम जो लेटर देने आए हैं, ये लेटर सिर्फ गांधीगिरी का है, वार्ड ऑफिसर को जो हम देने आए, आज गांधीगिरी का लेटर है। अगर इसके बाद, अगर ये 10 दिन का मोहलत देते हम वार्ड ऑफिसर को, अगर इसके बाद अगर इन्होंने
ये जो खड्डे और रोड पे जो कुछ काम है वो नहीं किया, हमारा जो लीडर का अगर ध्यान नहीं दिया तो पूर्ण तीव्र आंदोलन होगा, इसका जवाबदार महानगर पालिका रहेगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे सर जी किन मुद्दों को लेके आज विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है, क्या मांग करना चाहते हैं? सबसे पहले तो हमारा आज ये महानगर पालिका के जो वार्ड ऑफिसर हैं और ऐसे तमाम मुंबई की महानगर पालिका के तमाम वार्ड ऑफिसर और अधिकारियों से मैं ये विनंती करता हूँ कि जो मुद्दा जब आपकी माताएं बहनाएं वो रास्ते पे गरीबी से जूझते हुए खड्डे में गिरते पड़ते, जो पैसा कमा कर आपको पढ़ा लिखा कर जो वो ऑफिसर बनाने का जो जोखिम उठा के आपको यहाँ तक पहुँचाया है, मैं चाहता हूँ कि आप उनकी भावनाओं के साथ गद्दारी बंद करें। ऐसे ही हमारी ये मुंबई महानगर पालिका माँ सामान, ये हमारे मुंबई शहर के तमाम गरीबों के साथ में जो आप खिलवाड़ हो रहा है, गलियों में जाओ तो छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में कुत्ते काटते हैं, उनको तमाम तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। हम आज के इस शांति सरती प्रदर्शन से आपसे विनती करते हैं कि आप 15-10 दिनों के अंदर अंदर ये सारे मुद्दे जो हमने आपके सामने रखे इन पे काम करके इनसे न्याय देने का काम करें, वरना हम आपको आपकी जगह दिखाने का काम करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो आंदोलन था आज शांतिपूर्वक था, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है महानगर पालिका को और इनकी जो मांगे हैं वो 10 दिन के अंदर पूर्ण नहीं की गई तो ये जो मोर्चा शांति प्रदर्शन से हुआ और उग्र हो जाएगा। कैमरामैन बंडी सिंह के साथ जटाशंकर सिंह।